प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध, शीर्षक है प्रतिष्ठा केवल प्रेम देव की है। वाचक निर्मल मिश्र। नहीं तो जो दो हाथ दो पांव एक मुंह एक नाक इत्यादि आपके हैं, वही हमारे भी हैं। जैसे हाड़ मांस लोहू चमड़े आदि का बना हुआ आपका शरीर है, वैसे ही हमारा भी है। खाने पीने सोने जागने हंसने रोने जीने मरने आदि में भी आप और हम बराबर ही हैं। फिर आपके कौन सा सुरखाब कापर लगा हुआ है कि हम आपको मन से प्रसन्न रखना चाहते हैं, तन से सेव्य बनाने पर उद्यत रहते हैं तथा वचन से स्वामी जी गुरु जी महात्मा जी राजा साहब बाबू साहब मुंशी साहब हुजूर खुदा बंद बंदा परवर प्यारे प्राणाधार जीवितेश्वर इत्यादि कहा करते हैं। इसके उत्तर में यदि आप कहिए कि हमारे पास बहुत सा धन है, बहुत सी विद्या है, बड़ी भारी बुद्धि है, बड़ा भारी बल है, हम बड़े लिखाड़ हैं, बड़े मनोहर हैं, फिर क्यों ना हमारी खुशामद करोगे? इसका जवाब हमारे पास भी मौजूद है कि आप जो कुछ हैं अपने लिए हैं, हमें क्या? आपकी विद्या से हम विद्वान ना हो जाएंगे, आपके धन बलादि से धनी बली इत्यादि न बन जाएंगे, फिर हम क्यों चुटकी बजाते हैं? यह तो कभी संभव ही नहीं है कि आप ही ईश्वर के यहां से सब बातों का ठेका ले आए हों। अब कोई किसी अंश में आपकी समता न कर सकता हो। संसार में एक से एक 21 वर्तमान हैं। हमारे देखे सुने हुए कई ऐसे हैं जो आपसे ही चढ़े बड़े प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं, पर हम उनका नाम भी आपके सामने नहीं लेते। वरंच आपका उनका सामना पड़ जाए तो आपकी तरफ होके उनकी लेव देव कर डालने में कोई कसर उठा रखने को पाप समझे, चाहे वह हमसे कैसी ही जाहिरदारी का बर्ताव क्यों ना करे। और आप चाहे हमें सीधी आंखें देखना भी अपनी शान बईद समझते हो, पर हम आपका मनसा वाचा कर्मणा आदर ही करते हैं। और ईश्वर कोई विघ्न न डाले तो इरादा यही रखते हैं कि मरते रहेंगे तुम ही पे, जीते हैं जब तलक। यह क्यों? केवल इसी कारण कि हम आपके रूप गुण स्वभाव आदि में से किसी व सभी बात से प्रेम रखते हैं, अथवा आप हमारे प्रेम का गुण न जानने के हेतु से हमारे आचरण आदि का उचित सम्मान न कीजिए तो भी आपके चार काम कर देने से हमें थोड़ा बहुत रुपया मिलता रहता है। आपके साथ रहने से हमारे सताने वाले दबे रहते हैं, आपकी बात सुनने से हमें बहुत सी मतलब की बातें मालूम होती हैं, आपकी छाया से हमें सुभीता मिलता है, आपके दर्शन से हमारी आंखें ठंडी होती हैं। इसी से हम बिन आदर पाए हूँ बैठ ढिगए अपनी रुख दय रुख लीजत है। यह भी आपके साथ संबंध रखने वाला प्रेम न सही, तथापि हमारा आत्म संबंधी प्रेम है। इन दोनों बातों पर सूक्ष्म विचार कर सकने पर क्या आप न कह देंगे कि प्रतिष्ठा केवल प्रेम देव की है? यही नहीं कि हम ही आप आत्मगत अथवा भवदीय प्रेम के कारण एक दूसरे की प्रतिष्ठा करते हो। संसार में विचार कर देखिए तो सभी सब छोटे बड़े बराबर बालों का प्यार सत्कार केवल प्रेम के कारण करते हैं। हम अपने पुत्र कलत्र शिष्य सेवक बरंच कुत्ते और जूते तक को बिगाड़ना नहीं चाहते, तन मन धन से इन्हें सुधारने में लगे होते हैं। यह बिगड़े तो हमारी इज्जत बिगाड़ दें। माता पितादि पूज्य व्यक्ति
कुंठित हो तो लोक परलोक के काम का न रखें, भाई भगनी इष्ट मित्रादि प्रतिकूल हो जाएं तो हमें जीवन यात्रा में कंटक ही कंटक दृष्टि पड़ने लगे। इसी से हमें सबका आदर मान करना पड़ता है, पर यह सब वास्तव में किसका है? इसके उत्तर में विचार शक्ति कहती है, प्रेम देवस्य केवलम, जिनसे हमें प्रेम है उन्हीं को हम डरते हैं, उन्हीं की प्रतिष्ठा करते हैं और इसी से हमारा तथा उनका निर्वाह होता है। नहीं तो किसी के बिना किसी का कोई काम अटक नहीं रहता, फिर क्यों कोई किसी को कुछ पूछे? सबके सभी ना हम काहू के को ना हमारा वाला सिद्धांत ले बैठे और दुनिया के सारे खेल बिगड़ बिगड़ के बराबर हो जाए। पर वे प्रेम देव ही हैं जो सबके मध्य अपना प्रकाश करके सभी का काम चलाए जाते हैं और इसी में सबकी प्रतिष्ठा भी है। अकस्मात हमें यह कहने से कौन रोक सकता है कि प्रतिष्ठा केवल प्रेम देव की? एक बार दो भाइयों में झगड़ा हुआ तो एक ने कहा, हमें अलग कर दो, हमारा तुम्हारे साथ रहने में निवाह नहीं है। इस पर दूसरे बुद्धिमान बंधु ने उत्तर दिया कि अलग होने में लगता ही क्या है, न तुम्हारे कपड़े मेरे अंग में ठीक होते हैं, न मेरे तुम्हारे देह के उपयुक्त होते हैं, न मेरे खाने पीने से तुम्हारी भूख प्यास बुझती है, न तुम्हारे भोजन करने से मेरा पेट भर जाता है। तुम्हारी स्त्री, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारे कार्योपयोगी पदार्थ मेरे नहीं कहलाते, मेरे हैं वह तुम्हारे काम नहीं आते। केवल आपस का स्नेह भाव था जिसके कारण मैं तुम्हारी सहायता करता था और एक घर में दो गृहस्थियों के झंझट झेलता था। वह भाईपन अब नहीं रहा तो फिर अलग तो परमेश्वर ही ने किया है। जैसे सब वस्तु अलग हैं, वैसे ही दो तीन पैसे का तवा ले आओ, रोटी भी अलग अलग पका करे, बनाने वाले की आधी मेहनत बचेगी। एक को दूसरे के दुख में हाय हाय करके दौड़ना न पड़ेगा, बस छुट्टी हुई। रही दूसरों की दृष्टि में हमारी तुम्हारी भलमनसी, वह नित्य की दांता किलकिल के मारे जैसे अब नहीं है वैसे ही तब न रहेगी, फिर उसका झीखना ही क्या? पाठक महाशय, यह कथा हमारी गढ़ी हुई नहीं है, आंखों देखी हुई है और आशा है कि आपने भी ऐसे अवसर देखे न होंगे तो सुने होंगे, सुने भी न हो तो समझ सकते हैं कि ऐसा प्रेम के अभाव में असंभव नहीं होता। फिर क्या ऐसी ऐसी बातें देख सुन सोच समझकर भी कोई समझदार न कहेगा कि प्रतिष्ठा केवल प्रेम देव की है? यदि सांसारिक उदाहरणों से जीना भरता हो तो कृपा करके बतलाइए तो आपके परमार्थ का मूल धर्म ग्रंथ कागज स्याही और समझ में आ जाने वाली बातों के सिवा क्या है जो एक दिया सलाई से जल के राख और चुल्लू भर पानी से गल के आटे की सी लोई हो सकते हैं? देव मंदिर देव प्रतिमा क्या है? केवल मिट्टी पत्थर चूना आदि का विकार जो हमारे बचाए बिना बच नहीं सकते और अपने गाल पर बैठी हुई मक्खी उड़ाने की शक्ति नहीं रखते। ऋषि मुनि पीर पैगंबर इत्यादि क्या हैं? सहस्रों वर्ष के मरे हुए मुर्दे जिनकी अब ढूंढने से हड्डियां भी नहीं मिल सकती। इन प्रश्नों से आप हमें दयानंदी समझते हो तो हम पूछेंगे कि परब्रह्म परमेश्वर ही क्या है? केवल एक शब्द मात्र ही, जिसके लक्षण ही में अपनी अपनी डफली अपने अपने राग का लेखा है। अस्तित्व का तो सपने में भी सिद्ध होना लोहे के चने हैं, फिर हम इन सबको क्यों अपने लोक परलोक का आधार समझते हैं? क्यों हम इनके निंदकों को नास्तिक समझकर शास्त्रार्थ ब्रंच शास्त्रास्त्र तक से मर्दन करने को उतारू होते हैं? क्या इसका उत्तर एकमात्र यही नहीं है
कि हमें अपने धर्म कर्म देव पित्रादि से प्रेम है, इसी से प्रत्यक्ष प्रमाण न पाने पर भी, तन पर कष्ट धन की हानि उठाने पर भी सच्चे मन से इनकी इज्जत करते हैं। फिर हमारे इस कथन का आप क्यों कर विरोध कर सकेंगे कि प्रतिष्ठा केवल प्रेम देव की है। आप नास्तिक हो तो हमें आपसे शास्त्रार्थ करने को रोग नहीं है, पर केवल इतना पूछेंगे कि दुनिया में किसी को कुछ मानते हो या नहीं। यदि कहिएगा हां, तो फिर हमारा प्रश्न यही होगा कि हां तो क्यों, अथवा हटके मारे कह दीजिए नहीं, तो हम कहेंगे यह हो नहीं सकता कि आप अपने जीवन को भी न मानते हो, उसको सुखित सुरक्षित बनाए रखना अच्छा न जानते हो। इन सब बकवादों के पीछे अंत में हार मान के यही मानना पड़ेगा कि जिससे हम प्रेम रखते हैं उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। अतः अखंडनीय सिद्धांत यही है, परमोत्कृष्ट श्रेणी वाली बुद्धि का निचोड़ यही है। पाताल से लेके सातवें आकाश तक कोई दौड़ जाए तो जड़ चेतनमयी सृष्टि बरंच स्वयं सृष्टिकर्ता को अपनी अपनी बोली में यही मंत्र पढ़ते हुए सुनेगा कि प्रतिष्ठा केवल प्रेम देव की है। इससे जिसे जितनी अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करके अपना अपने लोगों का जीवन सफल करना हो, उसे चाहिए कि उतनी ही अधिक प्रेम देव की आराधना करे, क्योंकि चींटी से लेकर ब्रह्म तक उन्हीं के बनाए प्रतिष्ठित बनते हैं, नहीं तो किसी में कुछ भी तत्व नहीं है, किसी का कुछ भी सत्व नहीं है। तत्व की बात यही है कि प्रतिष्ठा केवल प्रेम देव की है। प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध प्रतिष्ठा केवल प्रेम देव की है। वाचक निर्मल मिश्र।